हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोगों को गांव की वीडियोस पसंद आ रही है। तो आज एक नए ब्लॉग के साथ पेश हुआ हूँ आपके साथ। तो इवनिंग टाइम है अभी, तो आज मैं जा रहा था अपने बगीचे में, तो हमने लगाया एक नींबू का बगीचा, तो उसको दिखाऊंगा आपको आज। बहुत मस्त वीडियो होगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, फिर देखो कि क्या क्या वैरायटी है हमारे पास यहाँ पे, कितनी वैरायटीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ भी पौधा लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे वीडियो, और एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और ये बैक साइड में व्यू देखो आप, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बगीचा। ये वो रास्ता घर है उस तरफ को वो, और ये है यहाँ पे छान बनाई हुई। यहाँ पे बैठते थे पहले, खेतों की वो करते थे यहाँ पे रखवाली बंदरों से। तो अब जा रहे हैं हम आगे की तरफ, यह रास्ता। तो अभी बगीचा दिखाता हूँ, पौधे दिखाता हूँ, व्यू देखो यार गजब है ना। थोड़े थोड़े बादल है, बाकी मस्त है। यह है सतलुज रिवर वहाँ पे, और ये देखो यह है पार शाकरा गांव, सुकेत रियासत का सबसे बड़ा गांव है शाकरा गांव। ये देखो बादल है बिल्कुल, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके अपने बगीचे में, और ये देखो अभी जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे पौधे, ये सारे हैं नींबू के पौधे जितने भी है। यहाँ से स्टार्ट किए लगाने, वो यहाँ तक कम से कम हो गए 120-130 पौधे हैं अभी ये। तो इस साल ना इसमें क्या हुआ कि अभी इनको 2 साले हुई है लगाए हुए, तो अभी इन्होंने फल देना शुरू नहीं किया। कुछ कुछ पौधों ने फल देना शुरू कर दिया, कुछ ने नहीं। ये देखो यहाँ पर ये पूरे जो भी आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा बगीचा है लेमन का। और ये देखो पूरे एरिया में लगाए हुए हैं, और इस बार तो बीच बीच में लगे, किसी पेड़ में लगे है, किसी पेड़ में नहीं लगे है। ये देख सकते हैं आप पूरा 120 के समथिंग लगाए थे कुछ पौधे, अब मेरे को भी याद नहीं है पूरा जब उस टाइम लगाए थे। ये देखो पूरे खेत से दिखाता हूँ, वहाँ से भी व्यू आता है बड़ा गजब का। नीचे का वो दिखाऊँगा आपको। ये देखो ये यहाँ पर आम का पेड़ है यार, बहुत पुराना पेड़ है। इसमें कम से कम इतने बड़े आम लगते हैं ना भाई, कि जब इस बार तो नहीं है, क्या पता अगली बार लगे तो बता दूं। ये देखो यहाँ तक पूरे बगीचे में, तो बगीचा यहाँ तक, ये देखो पूरे एरिया में। वाह सनसेट भी दिख रहा है पार सामने, दिखाऊंगा भी, ठीक है। ये देखो और यहाँ से देखो व्यू यार, ये दिखता है व्यू हमारे खेतों के एंडिंग पॉइंट से। ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तक ये लगे हैं पूरे पौधे। ये देखो और ये पूरा यहाँ पर एरिया सारा, सो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आगे जंगल। ये देखो सतलुज रिवर वहाँ पे, जूम करके दिखाता हूँ। जाएंगे हम वहाँ भी, वहाँ पे पावर हाउस है, तो उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। बाकी देखो आप, तो गाइस देखा बगीचा आपने कैसा लगा आपको। तो यार मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप गाँव में रहते हो, अगर ठंडे इलाके में रहते हो, तब तो आपके लेमन लगने नहीं वाले, क्योंकि ये रहते हैं गर्म इलाके में। तो आजकल क्या है कि जुलाई अगस्त में ये तैयार हो जाएंगे पक्के बिल्कुल, और फिर आप इनको तोड़ सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। और बाकी ये है कि अगर आपको लगाना भी है तो ये बरसात के टाइम ही लगते हैं पौधे, क्योंकि फिर पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बारिश होती रहती है, फिर ये जड़ें पकड़ लेते हैं और ईजिली तरीके से आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए छोटी सी वीडियो थी बगीचे के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपके लोगों के साथ शेयर करूं। गांव में हूं तो गांव की चीज़ें तो शेयर होनी ही चाहिए, फिर ही मज़ा है ना। क्योंकि गांव के व्यू के साथ चलेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत है यार। इतनी सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई, मतलब बहुत मज़ा आया, शानदार वीडियोस थी सारी। तो आगे भी आपको देखने को मिलेगी गाँव की और भी शानदार वीडियोज़। तो आई होप आप स्टे ट्यून्ड विद हिमाचल विलेज एंड शेयर करना वीडियो को दोस्तों के साथ। तो गाइस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सामने बड़े बड़े, ये है बैम्बू बांस, और ये यहाँ पे पूरे एरिया में इसमें बांस लगाया हुआ है, और इसी बांस के साथ नीचे यहाँ पे टैंक। और ये देखो ये है अखरोट का पेड़ हमारा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे तो आजकल तो आते नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है ना, तो हमारे यहाँ क्या गर्मी में होते हैं बहुत सारे सांप। तो ये है जंगल वाला एरिया, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कैंपिंग करें कुछ दिनों के बाद, इस जंगल में जाएंगे कैंपिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे नज़ारे कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखो व्यू यार, यहाँ से बादल है तो इसीलिए कुछ क्लियर नहीं आ रहा है व्यू, बट जितना भी है अच्छा है।
तो गाइज यार जितने मैं सनसेट के पास पहुंचा, क्योंकि आगे पेड़ थे, उतने सन डूब चुका था। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद हिमाचल के लिए।